సార్లు కౌంట్స్ మిట్టే. लोहड़ी मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर कृषकवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई. लोहड़ी मकर संक्रांति का मेला तत्तापानी में आयोजित किया जा रहा है. इसके लिए कृषकवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. धन्यवाद. लोहड़ी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सब कृषकवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई. धन्यवाद. लोहड़ी और मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर कुशोकवासियों को, सराजवासियों को तथा प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. और जहां लोहड़ी की शुभकामनाएं हैं, वहीं ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में यह हिमाचल प्रदेश विकास की राह पर शिखर की ओर अग्रसर हो. धन्यवाद. कुशोक की समस्त जनता को लोहड़ी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं. बहुत बहुत बधाई. लोहड़ी मकर संक्रांति मेले को लेकर सभी कृषकवासियों को शुभकामनाएं व बहुत बहुत बधाई. धन्यवाद. लोहड़ी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मैं सभी कृषकों के वासियों को शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं. लोहड़ी मकर संक्रांति पर कृषकवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं. धन्यवाद. लोहड़ी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर इस मेले की सभी कृषकवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. धन्यवाद. लोहड़ी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई. धन्यवाद. लोहड़ी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई. धन्यवाद. नमस्कार. कृषकवासियों को लोहड़ी एवं मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं. लोकप्रिय मुख्यमंत्री एडवोकेट जयराम ठाकुर जी लोहड़ी के पावन अवसर पर तत्तापानी पहुंच रहे हैं, इसलिए उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन. धन्यवाद. लोहड़ी एवं मकर संक्रांति की कृषकवासियों को हार्दिक. प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी 13 और 14 तारीख को लोहड़ी मकर संक्रांति का तत्तापानी में, महर्षि जमदग्नि की तपस्थली तत्तापानी में लोहड़ी का आयोजन किया जा रहा है. मेरी तरफ से, हॉट स्प्रिंग की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई. के लोहड़ी व मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं कृषकवासियों व प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ. साथ ही हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के तत्तापानी आगमन पर मैं उनका अभिनंदन व स्वागत करता हूँ. महावीर ट्रेडिंग कंपनी की ओर से लोहड़ी मकर संक्रांति की कृषकवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई. धन्यवाद. लोहड़ी मकर संक्रांति मेले के पवित्र पर्व पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कृषक को लगभग 10 करोड़ के तोहफे दिए. एक दिवसीय दौरे पर कृषक पहुंचे मुख्यमंत्री ने लगभग 1,23,00,000 रुपए से बनने वाले स्नान घाट का शिलान्यास किया तथा तत्तापानी के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया. उन्होंने लगभग 7 करोड़ रुपए से बनाई गई जैसल सामीधार पेयजल योजना को जनता के नाम किया. मुख्यमंत्री ने तत्तापानी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पांगणा में बंद किए गए सहायक अभियंता कार्यालय को जल्द बहाल किया जाएगा. इस दौरान सांसद रामस्वरूप शर्मा व विधायक हीरा लाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे. तो इस इलाके को, तत्तापानी को और भी ज्यादा महत्व आने वाले समय में इस झील के माध्यम से मिलने वाला है. और आज मैं खासतौर से यहाँ आपके बीच में आकर के, एक साल पहले जब आया था आप लोगों ने कुछ आग्रह किए थे और मैं नंदलाल जी का और चौधरी साहब का धन्यवाद करता हूँ. एनटीपीसी की ओर से भी मदद मिली और साथ साथ में हमको जो है SJVNL की तरफ से भी मदद मिली. आगे एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, पीछे SJVNL का प्रोजेक्ट आ रहा है. दोनों के मन में इस बात का भाव जागृत हुआ. हमने आग्रह किया कि यहाँ जो कमी हुई है उसकी भरपाई करना हम सबकी जिम्मेवारी है और हमने मदद की और उस मदद के माध्यम से आज तत्तापानी के सौंदर्यीकरण के लिए उसका भी शिलान्यास हुआ और उसके साथ साथ में यहाँ पर जो घाट का निर्माण करना था उसका भी आज हमने शिलान्यास करके जो है नई शुरुआत यहाँ पर.
चाहे धार्मिक पर्यटन के साथ साथ में हम पर्यटन के स्थान का महत्व देखते हुए प्राकृतिक सुंदरता को देखें, उन सारी चीजों को हमने विचार करने के बाद हिमाचल प्रदेश में अगर 4-5 स्थान तय किए हैं जिनको विकसित करना आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से, उसमें आपका ये तत्ता पानी का इलाका भी उसमें हमने शामिल किया। स्पोर्ट्स की हमारे वाटर स्पोर्ट्स की यहाँ पर बहुत बड़ी संभावना है। और ये पानी आप देख रही है कि कितना पानी एकदम ऐसा साफ पानी, बिल्कुल नीला पानी, स्वच्छ पानी, ऐसा लगता है कि जमीन नीचे तक दिख रही है। ऐसी बहुत कम झील है। ठीक है, बरसात के मौसम में इसका रूप कुछ और तरह का होता है, लेकिन बरसात का मौसम 2-3 महीने का होता है, बाकी जहां हमारे पास 8-9 महीने का जो वक्त होता है उसमें यहां पर पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं मैं देख रहा हूं। और आने वाले समय में हम इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। हमने तय किया है, मैंने टीम भेजी थी, कुछ जमीन का इंतजाम कर रहे हैं, और मेरी बात डिप्टी कमिश्नर से हो रही थी, एसडीएम से बात हो रही थी कि अगर जमीन उपलब्ध होती है तो वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ में और भी यहां पर ब्यूटिफिकेशन की दृष्टि से हम क्या महत्व यहां पर इसको दे सकते हैं, क्या हम नया प्रोजेक्ट बना करके तैयार कर सकते हैं, इन सारी बातों की संभावनाएं हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।